अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है बच्चों के साथ मैं बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हम लोग अमेरिका मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो दुबई की कुछ यादें हम लोग जो है अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। तकरीबन 16-17 साल से जो है मैं यहाँ पर हूँ दुबई में, और बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो इसलिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यादें लेकर हम लोग यहाँ से जाएं। फिर पता नहीं हम लोग दुबई आ पाएँ या ना आ पाएँ। प्लान तो हमारे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, तो फिर जो है यहाँ पर हम लोग सर्दियों में आया करेंगे, क्योंकि गर्मियों में दुबई आना तो बिल्कुल ही फालतू है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ठीक ठाक पड़ती है। और जब हम लोग इंशाल्लाह खैर से अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से जब इतनी सर्दी में हम लोग वहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो हमें गर्मी और ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग को काफ़ी गर्मी की आदत हो चुकी है। लेकिन जो है हम लोग जब वहाँ से आएंगे फिर हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर्दियों में आए। तो बस हम लोग घूमने के लिए निकले हैं बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। ये दुबई का शेख जायद रोड है। मुझे बहुत ज़्यादा इस रोड से जब भी मैं गुजरती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है। मैं या तो सनरूफ खोल लेती हूँ, और सर्दियाँ होती हैं ना जब, तो मैं सनरूफ ओपन करती हूँ गाड़ी का और देखती हूँ इन बिल्डिंग्स को, तो मुझे बड़ा यानी बहुत खूबसूरत नज़र आता है कि दुबई इस कदर खूबसूरत है। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। दुबई जो है वो दिन में उसका व्यू बिल्कुल चेंज होता है, और रात में ये टोटली चेंज हो जाता है। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं रात में भी निकलूंगी, और सेम जो ये जगह हैं, ये शेख जायद रोड है, और जो सेम जगह है मैं वहाँ पर नाइट व्यू भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है रात में, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। डे में आप जिस तरह देख रहे हैं ना, रात में बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। और जब मैं नई नई आई थी ना, तो सेम जगह से मैं जब गुजरती थी डे में तो वो व्यू और होता था, और रात में कोई और होता था। तो मैं हर दफ़ा यही बोलती थी कि ये कितनी प्यारी जगह है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, तुम डे टाइम में भी यहाँ से गुजर चुकी हो, तुम भूल गई हो। तो मुझे टोटली चेंज लगता था, पूरा दुबई जो है वो डिफरेंट हो जाता है रात में। मुझे तो रात का व्यू बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये है दुबई फ्यूचर म्यूज़ियम है। इस बिल्डिंग को देखकर जो है मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग इस कदर खूबसूरत है। ये जितनी पिक्चर में आपको, जितनी वीडियोज़ में आपको लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये सामने खूबसूरत है। तो इस बिल्डिंग को देख कर अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। गर कभी खलवत मयसर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्से आदम को रंगी कर गया किसका लहू। मैं खटकता हूँ दिले यजदा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो शायरी बहुत हो गई, अभी हम लोग जो है आगे निकलेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो है निकले हैं यहाँ से, हम लोग फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर नहीं गए, क्योंकि जो है रश बहुत ज़्यादा था, हमें पार्किंग मिली नहीं। गलती से जो है मैंने गाड़ी जो टैक्सी वाली जगह पर जो है पार्क कर लिया था, और जो है फिर हस्बैंड ने कहा फ़ौरन बाहर निकालो वरना बहुत तगड़े वाला फ़ाइन लगने वाला है तुम्हें। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी बाहर निकाली, और तीन राउंड हमने लगाए इसके आसपास, लेकिन हमें एक भी पार्किंग नहीं मिली। बच्चे तो वैसे ही स्कूल की तरफ से यहाँ पर आ चुके हैं, और मुझे जाना नहीं था, तो फिर हम लोग निकल गए। बच्चों ने कहा नहीं मम्मा यहाँ नहीं चलते हैं, कहीं और चलते हैं। तो बस फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हम यहाँ से निकल गए, हम लोग कहीं और मरीना की तरफ गए। भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम लोग मरीना की तरफ गए, वहाँ पर बोट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों को बोटिंग करा लूँगी, थोड़ा बोट्स पर बैठ जाएंगे। लेकिन जो है वो टाइमिंग 6 o'clock तक की थी, उससे पहले पहले आपको टिकट लेना पड़ रहा था, उसके बाद जो है फिर आप नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा तो उन्होंने हमें मना कर दिया। तो फिर हमने वहाँ पर जो है इंजॉय किया थोड़ा बच्चों के साथ, और फिर उसके बाद हम कुछ खाने के लिए चले गए।
एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो बस ये ट्राम जा रही थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई इलामा इकबाल की शायरी के साथ साथ। उसके बाद फिर हम लोग गए पानी ढूंढते हुए कि जो है यहाँ पर बोटिंग करनी है हमने, लेकिन हम लोग जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो हमें मिली नहीं। तो बस बच्चे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे अपनी और इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस साइड पर गर्मी नहीं थी, मज़ा आ रहा था वॉक करने में। तो सभी वॉक कर रहे थे यहाँ पर, देखें आसपास सब वॉक कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो बोटिंग जो है हमें करनी थी लेकिन नहीं हो पाई। बस हम लोग बोट को ढूंढते ढूंढते बोट तक पहुंच तो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो टाइम नहीं था हमारे पास बैठने का। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ पर पिक्चर्स ली क्योंकि व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा दुबई की यादें हम लोग अपने मोबाइल वगैरह में कैप्चर कर लें। ढूंढते हुए पहुँचे हम लोग, अभी देखते हैं यहाँ पर जो है वो बोट मिले ना मिले, भूख भी बहुत लग रही है। बोट्स तो हैं लेकिन अभी पता नहीं हमें मिले ना मिले, क्या हो चेक करते हैं। देखें चल चल के पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। वहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, बोट्स ये रही। बच्चों को ठीक ठाक गर्मी लग रही है और ये लोग रहे यहाँ पर है ना बहुत अरसे, तो सारी जगह इन्होंने देखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे जो है मैं इनको लेकर आई हूँ क्योंकि इस एज में जो है बहुत कम निकलते हैं स्कूल वगैरह, क्योंकि हम होता है हम लोग वीकेंड्स पर भी इतना नहीं निकलते। तो अभी छुट्टियाँ थी और हम लोग छुट्टियों में कहीं निकले भी नहीं थे, पाकिस्तान भी नहीं गए थे, कि मैंने सोचा है कि एक ही दफ़ा पाकिस्तान जाऊँ, जब हमारी एम्बेसी की डेट आएगी, अमेरिकन एम्बेसी की डेट आएगी, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। तो इस वजह से इस बार हम लोग पाकिस्तान भी नहीं गए, तो मैंने कहा चलो बच्चों को यहीं पर घुमाऊँ, अच्छे से घूमें बच्चे, और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह जाते रहेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुबई की जो है यादें अपने मोबाइल में कैप्चर करनी है, सेव करनी है, ताकि इंशाल्लाह हम लोग जब अमेरिका मूव करें तो हमें जो है वो दुबई की बच्चों की यादें हों, हमारी यादें हमारे पास हों। तो बस हम लोग यहाँ पर आए, ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इस तरह हम लोग इतना गए हैं अभी तो दिल भी नहीं चाहता कि फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट जाएँ, बहुत बार गए हैं क्योंकि वो सेम जगहों से गुजरती है, हम लोग सारा देख चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे नहीं, हमें दूसरी बोट पे जाना था लेकिन उसकी टाइमिंग्स जो है वो ख़त्म हुई, शाम हो गई थी ना, बच्चों को मैंने जेट स्की कराना था लेकिन इसके वो जो थी वो दिन में होती है और रात में नहीं होती है ना, अलाउ नहीं करते क्योंकि समंदर के अंदर वो बहुत फास्ट चलती है, तो इस वजह से जो है वो जैसी शाम होती है तो वो बंद हो जाता है। तो बस हम लोग फिर जो है बस यहाँ पर वॉक वगैरह लोग कर रहे थे, बड़ा प्यारा व्यू था और हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। शाम हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से मंदी खाने क्योंकि बच्चों ने कहा कि मंदी खानी है। उस दिन वो हमारे साथ नहीं थे लेकर, उनके लिए मैं घर पर गई थी लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। अभी ये है कि आज साथ हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदी खाने के लिए। दोबारा देखें वरसान मंदी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, रश ठीक ठाक है। वरसान मंदी आज बच्चों की फरमाइश, दोबारा से वरसान मंदी। मिट्टी से नहीं जाओ ना, यहाँ से आओ।
बस वरसान मंदी आ गए, अभी मंदी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। थक गए हम लोग, इतना कुछ किया नहीं है जितना ये बच्चे और हम लोग थक गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। सर्दियों में निकले तो इंसान घूम भी सकता है, वॉक कर सकता है, गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे पसीना वगैरह आ रहा होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है। और इस दफ़ा तो दुबई में ठीक ठाक गर्मी पड़ी है तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो अभी हम लोगों ने इनको मंदी वगैरह खिलाएंगे ताकि ये एनर्जेटिक हो जाएं दोबारा से। तो ये रही मंदी की यखनी जो ये लोग पहले देते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत टेस्टी होती है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये शौक से अभी पी रहे हैं जब तक मंदी आती है। फिर हम लोगों ने एक चिकन मंदी मंगवाई और एक चिकन मद भी मंगवाई। दोनों मद भी सुफियान को बहुत पसंद है और मंदी ज़ैनब को पसंद है, तो हमें तो कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं, मुझे तो दोनों ही पसंद है। तो हम लोगों ने बस ये खाया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घर की तरफ जाएंगे। अब भाई कुनाफा की बारी, और मंदी खाएं हम लोग और बच्चे कुनाफा ना मांगे ये हो ही नहीं सकता। तो एक दफ़ा मैंने गलती कर दी थी कि मैंने इस तरह के चार कुनाफा सबके लिए अलग अलग मंगवा लिए थे, कोई भी नहीं खा रहा था क्योंकि ये हैवी होता है, इसके अंदर चीज़ क्रीम वगैरह डलती है। तो बस फिर हम लोग जो हैं वो करके बस घर की तरफ आ गए। अब ये घर की एंट्रेंस है, हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं, घर जाके आराम करेंगे, बच्चे भी आराम करेंगे इंशाल्लाह। जो है मैं नेक्स्ट टाइम किसी जगह पर गई तो उस जगह की मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि दुबई की यादें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे दुबई की यादें लेकर अपने साथ यहाँ से जाना है इंशाल्लाह। तो बस घर पहुँच रहे हैं हम लोग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारे जो पेंडिंग काम है वो हो जाए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आप लोग भी किस तरीके से अमेरिका मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।